हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल mahagurus.com में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि फिल लेफ्ट का यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग किसी भी एक सेल को सेलेक्ट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं ये सेल नंबर D6 को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप होम में क्लिक करेंगे और इस एडिटिंग ग्रुप में फिल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सेलेक्टेड सेल के जो राइट वाला सेल था वो इसके लेफ्ट में, जो कि सेलेक्टेड सेल हो गया है, उस पर ये कॉपी हो चुका है। तो दोस्तों, इसी को करने के लिए हम मल्टीपल ऑफ सेल को भी कर सकते हैं। जैसे कि हम ये सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम आई टू सी, तो शॉर्टकट यूज़ करेंगे हम लोग Alt+H+Fi फिर L। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अप्लाई हो गया है सारे में, ये कॉपी हो गया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पर विज़िट करें। थैंक यू।